कर रहे हो क्या? कट कर देना प्लीज इसे। हे व्हाट इज अप गाइस, तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो स्मार्टफोन को। आपको पता है कि हमने एक वीडियो बनाया था मीट एन आई के ऊपर और काफी टाइम हो गया ये स्मार्टफोन यूज करते हुए, तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका कैमरा कंपेरिजन हम लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि 108 मेगापिक्सल कैमरा, समझ रहे ना, 108 मेगापिक्सल कैमरा, तो थोड़ा टेस्ट करना बनता है। और ये जो फोन है ये है पोको X3, यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं, और अगर डिफरेंस है तो कितना है, क्या आपको मेगापिक्सल्स के ऊपर जाना चाहिए या नहीं। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि मेगापिक्सल्स के ऊपर जाना चाहिए, देखना चाहिए, या फिर और भी क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, या फिर जो आपको कैमराज होते हैं वो क्या मेगापिक्सल पे ही डिपेंड होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपको ज़्यादा जानना है डिटेल में तो यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, आप जरूर से वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे, और आपको बताया कि दोनों स्मार्टफोन एक ही कंपनी के हैं। हालांकि ये पोको का है जो कि अलग कंपनी हो चुकी है, बट मैन्युफैक्चरिंग एक ही कंपनी करती है जो कि है शाओमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आपको बता देते हैं कि भाई 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो थोड़ा सा बचा है, जल्दी से करा दो और बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि वीडियो क्वालिटी कैसी आती है दोनों स्मार्टफोन की। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है तो आपको स्टेबलाइजेशन का भी अंदाजा हो जाएगा। इस तरफ जो फोन आप देख रहे हैं यह है शाओमी का मीट एन आई, और जो इधर स्मार्टफोन है वो है पोको X3, और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो कैमराज है वो काफी अच्छे मिलते हैं। हालांकि अगर हम बात करें मीट एन आई की तो 108 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन ये मत समझिएगा कि 108 मेगापिक्सल कैमरे से आपका वीडियो रिकॉर्ड करेगा। एक्चुअल में ये फोटोज के लिए होते हैं, जब वीडियो का रिकॉर्डिंग होता है तो मेगापिक्सल काउंट काफी कम हो जाता है, तो ये एक चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। बाय द वे गाइस, यहाँ पे मैं अभी एडिट कर रहा था वीडियो और एक चीज मैंने नोटिस करी है, आई होप कि आपको वीडियो देखने के बाद आपने भी नोटिस करी होगी, जो मीट एन आई का कैमरा है काफी ज्यादा शेक कर रहा है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो स्टेबल ज्यादा पोको X2 है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसको शाओमी को फिक्स करना चाहिए, क्योंकि 1080p 30fps पे भी मैंने टेस्ट किया अभी जस्ट, तो शेक नहीं कर रहा है, बट 60fps पे शेक कर रहा है, तो ये एक चीज मुझे लगी तो मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, यहाँ पे बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की, तो आप देख सकते हैं क्वालिटी, इसमें कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको राउंड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कलर है या जो एक्सपोजर है वो बिना लाइट के या फिर लाइट में कैसा जो है परफॉर्म करता है या फिर कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा प्रॉपर जो लाइटिंग है अभी आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरास की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कैमरा क्वालिटी की, पिक्चर आपको कैसी देखने को मिलेगी, तो ये जो सैंपल आप देख पा रहे हैं ये दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से हमने खींचा हुआ है। अब ये जो फोटो है ये है शाओमी के मीट एन आई की, और ये जो फोटो है ये है पोको X3 की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिटेल में, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर रेलिंग की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे शाइनिंग आपको दिख रही है इस रेलिंग के अंदर, स्टील के अंदर, बट यहाँ पे रेलिंग में आपको शाइनिंग देखने को नहीं मिल रही है, हल्की सी मिल रही है, बट एज कम्पेयर टू मीट एन आई यहाँ पे थोड़ी सी कम है। और ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे फोटो के ऊपर जो आपको चीज़ मिल रही है, यहाँ पे आप देखते हैं लगता है कि हल्का सा लेयर चढ़ा हुआ है, एक वाइटनेस चढ़ी हुई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ठीक बात है। तो यहाँ पे इस केस में जो मीट एन आई है उसका कैमरा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा क्लियर है और देखने में बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। इवन अगर आप हेयर के कलर्स देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल प्योर ब्लैक है जैसा, मतलब नेचुरल लगता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा आप देखते हैं हल्का सा जैसे लग रहा है कि धूल जमी हुई है। तो ये एक चीज़ सिर्फ हेयर पे नहीं है, फेस पे भी आप देख सकते हैं, तो ये एक चीज़ मुझे लग रहा है। तो मीट एन आई फ्रंट कैमरे में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे जो सेकेंड फोटो है ये आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे से खींचा गया है, और यहाँ पे प्रॉपर आपको वाटर मार्क दिख रहा होगा शॉट ऑन मीट एन आई और यहाँ पे पोको X3। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर्स की। तो कलर्स मुझे पोको X3 के ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, ज़्यादा नेचुरल है, अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शार्पनेस को थोड़ा सा बूस्ट किया गया है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा ओवर ही हो गया है, तो शाओमी को थोड़ा सा यहाँ पे फिक्स करना चाहिए शार्पनेस को, और यहाँ पे काफ़ी मेंटेन है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसका अगर आप डिटेल देखेंगे, तो थोड़ा सा और मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखते हैं टी शर्ट के जो रेशे हैं वो आपको प्रॉपर दिख रहे हैं, जो धागे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा ही जूम में ये चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं,
और इवन कितना थोड़ा भी आप करेंगे तब भी आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो फोटो है ये पर्टिकुलर मैंने सनसेट के लिए खींचा था कि जो इफेक्ट है वो कैसा आता है या फिर जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसका क्या यहाँ पे हिसाब किताब है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पोको X3 के केस में जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से मिक्स्ड अप हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया है, पता नहीं चल रहा सनलाइट कहाँ से। यहाँ से हल्का फुल्का आपको देखने को लग रहा है बट यहाँ पे जो प्रॉपर आपको देखने को मिलना चाहिए कि स्काई वाला फील वो देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस केस में मीट एन आई के केस में तो बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है मीट एन आई ने। इवन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो वॉल है जो ये सब चीज़ें हैं तो इससे ज़्यादा क्लियर यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से कि फ़ोटो कहाँ पे अच्छी लग रही है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेरे फेस पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्लो ज़्यादा है, मतलब कहने का ये है कि जो कलर है वो ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल अननेचुरल फ़ोटो आई है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन जो शर्ट का कलर है वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही ब्लू कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही वाइट कर दिया है टी शर्ट का कलर, जबकि नेचुरल कलर यही है। अब यहाँ पे ये जो फोटो है इसको मैंने डायनेमिक रेंज थोड़ा सा चेक करने के लिए खींचा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि जो डायनेमिक रेंज है दोनों ही स्मार्टफोन की ज़्यादा बेटर आई है। इवन यहाँ पे इस केस में मुझे थोड़ा ज़्यादा देखने को अच्छा लग रहा है, तो पोको X3 थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि अगर हम बात करें डिटेल्स की तो मीट एंड आई काफ़ी अच्छा काम कर रहा है डिटेल के मामले में, क्योंकि अगर आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं वो आपको थोड़ा सा दिख नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप जूम करके देखेंगे तो ओके यहाँ पर पत्तियाँ आपको थोड़ा ज़्यादा ही बेटर देखने को लग रही हैं, देख सकते हैं आप, बराबर जूम करेंगे हम लोग थोड़ा सा ओके। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। इवन अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये वाला घर कहाँ गया भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फ़ोटो है ये थोड़ी ज़्यादा क्लियर है। अब ये जो फ़ोटो मैंने खींची है इसको मैंने खींचा है इसलिए ताकि हमको पता चल सके किसका पोर्ट्रेट मोड कैसा है और इसकी एजिंग कैसी है। तो यहाँ पे दोनों ने ही अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फोटो को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चाबी का नीचे का पोर्शन होता है जिससे लॉक ओपन होता है वो बिल्कुल से मिक्स्ड अप हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ से बिल्कुल भी मिक्स्ड अप हो चुका है। और ऊपर की तरफ हालांकि काफ़ी अच्छा काम किया फिंगर्स वगैरह में, एजिंग काफ़ी सही है, तो कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर छल्ले के निशान को आप देख सकते हैं ये भी मिक्स्ड अप हो चुका है, तो मतलब ठीक है। लेकिन पोको X2 से थोड़ा बेटर ही परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पे जो फिंगर है वो भी अच्छा नहीं है और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन भी अच्छा नहीं है, तो पोर्ट्रेट मोड की एजिंग ज़्यादा प्रॉपर आपको मीट एंड आई में देखने को मिलती है, डिटेल ज़्यादा मिलती है, लेकिन कलर्स आपको पोको X3 के ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करें इंडोर लाइटिंग कंडीशन की तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटो है इंडोर में ली गई है और यहाँ पर पोको X3 अगेन काम कर रहा है काफ़ी अच्छा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा वाइटनेस है और नेचुरल थोड़ा सा कम लग रहा है। हालांकि फ़ोटो सही आई है ये भी, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको लगेगा ये वाला पोको X3 का कैमरा। तो पोको X3 में नो डाउट काफ़ी सही ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें कहने में कोई भी मुझे डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे मीट एंड आई की तो 108 मेगापिक्सल कैमरे के हिसाब से उतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं करी गई है। हालांकि डिटेल थोड़ी आपको ज़्यादा बेटर मिलती हैं, जूम करने की कैपेबिलिटी थोड़ी आपको ज़्यादा बेटर मिल जाती है, लेकिन जो कलर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, चाहे हम बात करें यहाँ पे रियर कैमरे की। हालांकि फ्रंट कैमरे में दोनों ही फ़ोन मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हल्का फुल्का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कौन से फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बेटर है अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरे की। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 64 वर्सेस 108 मेगापिक्सल कैमरा कंपेरिजन, तो मुझे लगता है कि Xiaomi ने यहाँ पे काफ़ी जल्दबाजी करी है इस फ़ोन को लॉन्च करने के लिए और 5G के नाम पे मतलब कैमरे को उतना अहमियत नहीं दी है, ऑप्टिमाइजेशन उतनी नहीं करी गई है और उम्मीद है कि आगे एक दो अपडेट में ये चीज़ें हो सकता है फिक्स हो जाए। लेकिन अभी के लिए अगर आप कैमरे को ध्यान में रख के ये फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं कि भाई बढ़िया फोटो आएगी, मस्त क्वालिटी की DSLR के लेवल की क्वालिटी हो जाएगी, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि जो वीडियो क्वालिटी है वो इस फ़ोन से बहुत बेटर आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बेसिक आपको जो कंपैरिजन है हमने दिखा दिया। सो गाइस ये था मेरा कंप्लीट ओपिनियन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।